बैतूल के एक परिवार ने कुत्ते की वफादारी का बदला भी उसे अपने परिवार के सदस्य का दर्जा देकर चुकाया। बैतूल के इस परिवार की जर्मन शेफर्ड कुतिया को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उन्होंने परिवार के सदस्य की तरह ही उसकी जिम्मेदारी उठाकर उसका इलाज करवाया। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में नगर निगम की लापरवाही से एक बंदर बुरी तरह घायल हो गया। भारी ट्रैफिक वाले नेहरू चौक में बिना सुरक्षा के निगम कर्मचारियों ने हरे भरे पेड़ को काट डाला। निगम कर्मचारी पेड़ काटते रहे लेकिन एक पेड़ पर बैठे बंदर को नहीं देख पाए और बंदर सहित पेड़ समेत जमीन पर आ गया, जिसके चलते बंदर बुरी तरह घायल हो गया। बंदर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सड़क किनारे बंदर काफी देर तक तड़पता रहा और उसे कोई बचाने नहीं आया। फिर गुलबुद्दीन नाम के निगम कर्मी ने बंदर को अस्पताल पहुंचाया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंसान के दो अलग अलग रूप। एक में वफादारी निभाते हुए एक परिवार, जर्मन शेफर्ड कुतिया को बीमारी होने के बाद परिवार के सदस्य उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, इलाज करवाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से एक लंगूर बुरी तरह से घायल हो गया, पेड़ काटा जा रहा है। यहाँ बिना सुरक्षा के निगम कर्मचारी काट रहे थे पेड़ और निगम कर्मचारी पेड़ काटते रहे लेकिन पेड़ पर बैठा एक लंगूर जो कि पेड़ के साथ ही नीचे गिर गया। बहुत देर तक वो ऐसे ही तड़पता रहा। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बाद में उसे एक निगम कर्मी गुलबुद्दीन अस्पताल तक पहुंचाया। बैतूल के शाहपुर कस्बे के निर्मल और शिरोमणि सिबलून की ये 13 साल की जर्मन शेफर्ड कुतिया डॉल्फी उनके परिवार के सदस्य की तरह है। डॉल्फी तो पूरे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी सालों से उठाती आ ही रही है लेकिन जब वक्त पड़ा तो सिबलून परिवार ने भी डॉल्फी की जिम्मेदारी उठाई। दरअसल डॉल्फी पिछले कुछ माह से बहुत बीमार थी। उसकी तकलीफ सिबलून परिवार से देखी नहीं गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला डॉल्फी को स्तन कैंसर है। डॉक्टर अहिरवार ने ऑपरेशन की सलाह दी तो सिबलून परिवार तुरंत राजी हो गया। सारी तैयारियां हुई और 1.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉल्फी के शरीर से 300 ग्राम का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। उसको स्तन कैंसर था जिसमें के करीब 300 ग्राम का ट्यूमर था। उसमें 1.5 घंटा लगा ऑपरेट करने में। ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया, सफल ऑपरेशन रहा। अभी कैसी स्थिति है? बिल्कुल नॉर्मल है। अभी ड्रिप वगैरह दे के अभी चली गई है। डॉल्फी सिबलून परिवार में 13 साल से रह रही है। उसकी इजाजत के बिना कोई बाहरी आदमी घर में कभी पांव नहीं रख पाता। कई बार सांप बिच्छुओं से भी उसने परिवार के लोगों को बचाया है। सिबलून कहते हैं वफादारी का भाव डॉल्फी में अन्य कुत्तों से बहुत ज्यादा है। बताया था तो आज उसको लाके उसकी सर्जरी कराई और बहुत सहयोग किया हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने, सब पूरे लोगों ने बहुत उसको अच्छे से किया और अभी कुछ अच्छी लग रही हो। क्या नाम है इसका? नाम इसका नाम डॉल्फी है और बड़ी वफादार। मतलब जानवर तो वफादार होते हैं मगर ये उनसे भी ज्यादा वफादार, बहुत ज्यादा। हर तरीके से रक्षा करती है। रात्रि में कोई नहीं रहता घर में, हम लोग मिसिस अकेली रहती, पूरी देख रेख उसके जुम्मे, आज आगे पीछे रात भर होती रहती। मान लो कोई अगर सर्प भी आया तो पहले अलर्ट करती भौंक के और फिर जब हम लोग जाते हैं उसके पास तो हमने पहुंचने के पहले ही वो उसको मार देती है। स्थानीय लोग भी सिबलून परिवार के डॉल्फी के प्रति स्नेह की बहुत सराहना करते हैं। लोग चाहते हैं इस घटना से प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी ये समझें कि जानवरों को भी दया, स्नेह और करुणा की जरूरत होती है। जो लेवी जी हैं, जिनने अपने 12-13 साल से उसको पाला था और उसको जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसका इलाज करा के एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर इन्होंने किया, ये बधाई के पात्र हैं। और पूरे देश प्रदेश और जिले में ये संदेश जाना चाहिए कि जितने भी पशु हैं वो भी एक अपने पारिवारिक रूप से अंग हैं। ऑपरेशन के सफल होने के बाद डॉल्फी तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही है। सिबलून परिवार बराबर उसकी देखरेख कर रहा है। दर्द से तड़पती डॉल्फी को आराम मिलने से परिवार के सभी सदस्य भी राहत महसूस कर रहे हैं। समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी।